हेलो दोस्तों, फिरी कुकिंग में एगलेस अयनकार बेकरी स्टाइल केक की एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। आज मैं एक अलग तरीके से अयनकार स्टाइल में फ्रूट केक की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। फ्रूट केक जो देखने में यम और खाने में बहुत ज्यादा यम्मी होता है, यह बच्चे और बड़े सभी का ही मनपसंद केक होता है। जैसा आपको मार्केट में फ्रूट केक देखने को मिलता है, वैसे ही फ्रूट केक हमने घर पर बनाकर तैयार किया है। तो चलिए देर किस बात की, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फ्रूट केक बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक बाउल। बाउल में मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी करूंगी। इसके लिए मैं ले रही हूँ छलनी। छलनी में मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम मैदा। केक बनाने के लिए मैदा आपकी बहुत ज्यादा पुराने समय की रखी हुई नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैं ले रही हूँ 35 ग्राम मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। मिल्क पाउडर से केक में फ्लेवर और कलर दोनों ही अच्छे बनकर आते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ 20 ग्राम वनीला फ्लेवर में कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट से आपके केक में बाइंडिंग फ्लेवर और जैसी केक में जालियां आती है वैसी जालियां बनकर आएंगी। केक कॉन्सेंट्रेट से आप कोई सा भी कैसा भी अलग अलग टाइप की केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। इससे बना केक आपको एकदम मार्केट जैसा देखने को मिलेगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 20 ग्राम वनीला फ्लेवर में कस्टर्ड पाउडर। वनीला कस्टर्ड पाउडर यूज करने से आपका केक एकदम लाइट वेट में बनकर तैयार होगा। आप इसको स्किप करके कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। केक में अच्छी सी फुलावट लाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर लेना है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/8 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा बहुत ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। केक की मिठास को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चुटकी नमक। नमक जो आप रोजाना में काम में लेते हैं उसको लेना है। इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छलनी में डालने के बाद अब मैं इन सबको छान रही हूँ। कॉन्सेंट्रेट आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ये छोटे बड़े सभी साइज में आता है। एक बार आप इसको केक बनाने में यूज कीजिएगा, इसका टेस्ट आपको बहुत ही सुपर लगने वाला है। मार्केट में जितने भी एगलेस केक बनाए जाते हैं वे सब केक प्रीमिक्स से बनाए जाते हैं। केक प्रीमिक्स केक कॉन्सेंट्रेट से ही बनकर तैयार होता है। छलनी में छानने के बाद मैं इन सबको एक बार आपस में अच्छे तरीके से मिला रही हूँ। ड्राई इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग जितनी ज्यादा अच्छी होगी केक को बेक करते समय उसके ऊपर क्रैक नहीं आएंगे। आप इन सबको एक बार मिक्सी में भी घुमा सकते हैं। मिक्सी में घुमाने से भी मिक्सिंग अच्छे से होती है। फ्रूट केक बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप घर के ही इंग्रेडिएंट से ही केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको केक कॉन्सेंट्रेट लेने की आवश्यकता पड़ेगी। केक कॉन्सेंट्रेट से आप अलग अलग टाइप के बहुत सारे केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। केक कॉन्सेंट्रेट से मफिन, कपकेक, स्विस रोल, ट्रेवल केक, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग टाइप के केक बनाए जाते हैं। अच्छी तरीके से मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग हो जाने के बाद मैं बाउल के ऊपर फिर से रख रही हूँ छलनी। छलनी में मैं डालने वाली हूँ 80 ग्राम कलरफुल टूटी फ्रूटी। परफेक्ट केक बनाने के लिए मैं टूटी फ्रूटी को कोटेड करूंगी। कोटेड करने के लिए आपको 2 बड़े चम्मच ड्राई इंग्रेडिएंट्स को टूटी फ्रूटी के ऊपर डालना है। इन दोनों को आपस में मिक्स करते हुए मैं इनको छानूंगी। इस तरीके से करने से हमारी जो टूटी फ्रूटी है वह अच्छी तरीके से मैदा में कोटेड हो जाएगी। टूटी फ्रूटी को कोटेड करने से यह केक बैटर में नीचे को नहीं बैठने की और केक में आपको सब जगह दिखाई देगी। इसको मैंने छान दिया है। मैं इसको कर रही हूँ दूसरे बाउल में। इस तरीके से आप अपनी टूटी फ्रूटी को कोटेड कर सकते हैं मैदा के साथ। टूटी फ्रूटी को कोट करने के बाद मैं बाउल को रख रही हूँ एक साइड में। हमारे जो सारे इंग्रेडिएंट्स थे जो रेडी हो चुके हैं इसको भी मैं एक साइड में रख रही हूँ। अब मैं वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी करूंगी। वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी करने के लिए मैं ले रही हूँ मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम दानेदार चीनी। अगर आप अपने केक को शुगर फ्री बनाना चाहते हैं तो आप इसमें चीनी की जगह शुगर फ्री भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ 40 ग्राम दूध। दूध यहाँ पर आपको नॉर्मल लेना है, फ्रिज का रखा हुआ नहीं लेना है। दूध आप यहाँ पर गाय का या भैंस का कोई सा भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 60 ग्राम दही। दही आपकी ताजी होनी चाहिए। दही आप यहाँ पर बाजार की या घर की कोई सी भी ले सकते हैं। दही से हमारा केक बाद तक भी सॉफ्ट बना रहता है। केक में फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ पाइनएप्पल एसेंस। आधी छोटी चम्मच पाइनएप्पल एसेंस लेना है। पाइनएप्पल एसेंस आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फैब ब्रांड का पाइनएप्पल एसेंस यूज कर रही हूँ। इसके बाद मैं ले रही हूँ 1/8 छोटी चम्मच मिक्स फ्रूट एसेंस। मिक्स फ्रूट एसेंस भी आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने फैब ब्रांड का मिक्स फ्रूट एसेंस लिया है। चीनी के पूरी तरीके से घुल जाने तक इन सबको मिक्सी में घुमाना है। चीनी का घुलना बहुत ज्यादा जरूरी है। चीनी के घुल जाने से ही आपका केक बन जाने के बाद चिपचिप नहीं करेगा, क्योंकि जब चीनी मेल्ट होती है तो पानी छोड़ती है, तो हम इसलिए चीनी को पहले से ही डिजोल्व कर देते हैं। आपको अपने इन सभी इंग्रेडिएंट्स को 1 से 2 मिनट तक मिक्सी में अच्छे तरीके से घुमाना है। ये देखिए मैंने इन सबको मिक्सी में अच्छे तरीके से घुमा दिया है। चीनी अच्छे तरीके से घुल चुकी है। केक हमारा सॉफ्ट बना रहे इसलिए मैं इसमें 40 ग्राम फ्लेवरलेस सनफ्लावर ऑयल डाल रही हूँ। इसके बाद फ्लेवर के लिए और केक की सेटिंग के लिए मैं इसमें डालूंगी 50 ग्राम अमूल बटर। बटर से केक की सेटिंग अच्छे से होती है और केक में बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनकर आता है।
इन दोनों को मिक्सी के जार में डाल करके मैं इसको सिर्फ 15 सेकंड के लिए मिक्सी में घुमाऊंगी। 15 से 20 सेकंड मिक्सी में घुमाने से इन दोनों की मिक्सिंग अच्छे से हो जाएगी। आपको अपने ऑयल और बटर को ज्यादा मिक्स नहीं करना, सिर्फ हल्का सा ही मिक्स करना है। फ्रूट केक की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आपको अपना केक एकदम मार्केट जैसा देखने को मिलेगा। ये देखिए मिक्सिंग हो गई, यहाँ पर हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए। अब मैं अपने वेट इंग्रेडिएंट्स को ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डालूंगी। इसको डाल करके मैं इन दोनों को आपस में मिक्स करूंगी और केक बैटर बनाकर रेडी करूंगी। केक बैटर को रेडी करने से पहले आपको अपने ओवन को 220 डिग्री पर 5 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रख देना है। जब मैं अपने केक को बेक करूंगी तो मैं टेम्परेचर को डाउन कर दूंगी। अब मैं इन दोनों को हैंड विस्क से आपस में मिक्स कर रही हूँ, जिससे कि इसकी मिक्सिंग अच्छे से हो जाए। आप इन दोनों को स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी चॉइस है। दोस्तों आजकल बहुत सारी ऑनलाइन कुकिंग और बेकिंग क्लासेज चल रही है, उन सभी कुकिंग और बेकिंग क्लासेज को आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के एकदम फ्री देख सकते हैं। अयनकार स्टाइल में हमने और भी बहुत सारी केक की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, उन सभी रेसिपी का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमारा केक बैटर रेडी हो गया है। अगर आपको इसका कलर एकदम मार्केट जैसा रखना है तो आप इसमें डाल सकते हैं येलो कलर, येलो फूड कलर आप कोई से भी बेस में ले सकते हैं। मैं इसमें 2 से 3 ड्रॉप येलो कलर की डाल रही हूँ। येलो कलर आप पाउडर बेस में या फिर वाटर बेस में कोई सा भी ले सकते हैं। येलो कलर को मिक्स करने से यहाँ पर हमारा केक बैटर का कलर एकदम मार्केट जैसा दिखाई देगा। कलर पूरी तरीके से ऑप्शनल में, आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए इसमें येलो कलर की कुछ ड्रॉप डाली है। अगर आप घर के लिए फ्रूट केक बनाकर तैयार कर रहे हैं तो कलर को स्किप कर सकते हैं। आपको हमारे केक बैटर की कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही होगी, कितनी ज्यादा स्मूथ कंसिस्टेंसी बनकर आई है। हैंड विस्क को बाउल में से निकाल करके अब मैं इसमें डालने वाली हूँ कलरफुल टूटी फ्रूटी। कलरफुल टूटी फ्रूटी जिसको हमने मैदा में कोटेड किया था, कोटेड टूटी फ्रूटी को डालना है केक बैटर के अंदर। अब मैं टूटी फ्रूटी को हल्के हाथ से स्पैचुला से करूंगी मिक्स। मिक्सिंग हल्के हाथ से करनी, बहुत ज्यादा टाइट हाथों से नहीं करनी है। हल्की सी मिक्सिंग करते ही यहाँ पर हमारा टूटी फ्रूटी केक बैटर रेडी हो जाएगा और इसको मैं डालूंगी मोल्ड के अंदर। टूटी फ्रूटी के मिक्स होते ही मैं ले रही हूँ टीन मोल्ड। यहाँ पर मैंने 6x6 इंच का टीन मोल्ड लिया है। इसके अंदर आपको लगाना है बेकिंग पेपर, बेकिंग पेपर के चारों कोनों को कट करके इसके अंदर लगाना है। केक बैटर डालने से पहले आपको अपने बेकिंग पेपर के चारों तरफ ऑयल लगा देना है। केक बनाने के लिए आप बेकिंग पेपर, पचमेंट पेपर या फॉइल पेपर कुछ भी ले सकते हैं। केक बैटर को मैं डाल रही हूँ टीन मोल्ड में। केक बैटर को टीन मोल्ड में डाल करके इसको बेक करना है 180 डिग्री पर, ऊपर के ग्रिल बंद नीचे के ग्रिल चालू रखते हुए सेंटर रैक पर रख करके 40 से 45 मिनट के लिए इसको बेक करना है। छोटे साइज के OTG में आपको 170 डिग्री पर बेक करना है। बेकिंग टाइम कम या ज्यादा हो सकता है, ये आपको अपने केक के कलर देखकर और केक के बेक हो जाने के बाद ही इसको ओवन से बाहर निकालना है, क्योंकि सभी ओवन की हीटिंग अलग अलग होती है, किसी में कम होती है किसी में ज्यादा होती है। केक बैटर को एक्सार करने के लिए इसको हल्का सा टैप करना है। मेरा ओवन प्रीहीट हो चुका है, अब मैं इसको बेक करूंगी। आप हमारे केक को देख सकते हैं, मैंने इसको ओवन में सेंटर रैक पर रख दिया है। सेंटर रैक पर रखने के बाद मैं इसको 180 डिग्री पर नीचे की ग्रिल ऑन करते हुए 40 मिनट के लिए मैं इसको बेक कर रही हूँ। टाइम पूरा हो जाने के बाद अगर केक बेक नहीं हुआ तो मैं इसमें थोड़ा टाइम और बढ़ाऊंगी केक के बेक हो जाने के बाद, तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारा फ्रूट केक बेक हो चुका है। बेक हो जाने के बाद आप इसकी फुलावट देख सकते हैं, कितनी अच्छी फुलावट बनकर आई है। केक को ठंडा करने के लिए इसको निकालना है मोल्ड के अंदर से। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आपको अपने गरम गरम केक को कट नहीं करना है। केक के बॉटम में मॉइस्चर ना आए इसलिए मैं इसको रखूंगी जालीदार रैक के ऊपर। रैक के ऊपर रख करके मैं इसे 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रखूंगी। केक जल्दी से ठंडा हो जाए मैं इसके साइड के पेपर को अलग कर दूंगी। केक के ठंडा हो जाने के बाद ही आपको इसे कट करना है। गरम गरम केक कट करने से जो इसकी जालियां हैं वह सब दब जाएंगी। केक का जो टेक्सचर होता है जैसा कि आपको मार्केट में देखने को मिलता है वैसा टेक्सचर देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें। केक को 2 से 3 घंटे ठंडा हो जाने के बाद ही कट करें। ये देखिए मैंने इसके साइड के पेपर को हटा दिया और आप इसकी फुलावट भी देख सकते हैं, कितनी अच्छी फुलावट बनकर आई है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रखूंगी, जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको कट करूंगी। 2 से 3 घंटे रखने के बाद केक ठंडा हो चुका है। केक के ठंडा हो जाने के बाद सबसे पहले मैं इसके नीचे के पेपर को हटा रही हूँ। पेपर हटाने के बाद आप इसके बॉटम का कलर देख सकते हैं, कितना अच्छा कलर बनकर आया है। अब मैं अपने केक की कटिंग करूंगी, कटिंग करके तब मैं आपको दिखाती हूँ कि कट करने के बाद अंदर से कैसा दिखाई देता है। केक को कट करने के लिए आपको लेना है तेज धार वाला चाकू। दोस्तों हमने इसी तरीके से और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपी आपके साथ शेयर की है, उन सभी रेसिपियों को आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। कटिंग हो जाने के बाद मैं आपको केक का अंदर का टेक्सचर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर बनकर आया है। केक हमारा जालीदार बनकर तैयार हुआ है, आप इसकी जालियां देख सकते हैं। मैं इसको दबाकर दिखाती हूँ, ये देखिए केक हमारा कितना सॉफ्ट है। फ्रूट केक की स्लाइस में कटिंग करूंगी, आप अपने केक की कटिंग कैसे भी कर सकते हैं। दोस्तों आप अपने इस केक को रूम टेम्परेचर पर मौसम के अकॉर्डिंग 4 से 5 दिन और फ्रिज में 7 से 8 दिन रख सकते हैं। अगर आपको अपने केक की शेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो इसमें मिलाना पड़ेगा प्रिजर्वेटिव। केक प्रिजर्वेटिव के लिए पोटेशियम सोर्बेट आता है, आधे छोटे चम्मच पोटेशियम सोर्बेट को यूज करके आप अपने केक को रूम टेम्परेचर पर 12 से 13 दिन आसानी से रख सकते हैं।
केक की स्लाइस में कटिंग करने के बाद इसका एक पीस मैं आपको पास से दिखाती हूँ। आप इसकी जालियाँ और इसकी सॉफ्टनेस दोनों देख सकते हैं। आपको हमारा ये फ्रूट केक एकदम बाजार जैसा दिखाई देगा। आपको हमारा घर का बना हुआ होममेड फ्रूट केक मार्केट जैसा दिखाई दे रहा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप हमारे केक की सॉफ्टनेस देख सकते हैं कितनी ज्यादा सुपर सॉफ्टनेस बनकर आई है। हमारी इस रेसिपी से आपका आधे किलो का केक बनकर तैयार होता है। अब मैं अपने केक को कट करके दिखाती हूँ। कट करने के बाद भी इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा बनकर आया है, तो देर किस बात की, आप भी अपने घर पर बना सकते हैं टेस्टी टेस्टी होममेड फ्रूट केक। दोस्तों, अगर आपको हमारे एगलेस अयानगार बेकरी स्टाइल केक की क्लास में होममेड फ्रूट केक की रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको हमारी फ्रूट केक की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस टाइप की हम आपके साथ और भी बहुत सारी रेसिपियाँ शेयर करने वाले हैं। उन सभी रेसिपी को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए और रेसिपी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अयनगार बेकरी स्टाइल में एक और न्यू फ्लेवर से बने केक की रेसिपी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।